ग्राम पंचायत कलारिया में एक महिला ने सरपंच प्रतिनिधि पर पेंशन रोकने सहित अन्य आरोप लगाए थे, जिसके बाद अब सरपंच प्रतिनिधि और खुद महिला ने भी सारे आरोपों को गलत बताया है। देखिए इस रिपोर्ट में। जी हाँ, ग्राम पंचायत कलारिया में एक महिला ने सरपंच प्रतिनिधि भरत पटेल पर पेंशन रोकने सहित अन्य आरोप लगाए थे, मगर इस आरोप को सरपंच प्रतिनिधि ने जहां नकारा है, वहीं उस महिला ने भी अपने आरोपों को वापस ले लिया है। सरपंच प्रतिनिधि भरत पटेल की माने तो ग्राम पंचायत कलारिया उनका परिवार है। एक महिला द्वारा द्वेष भावना से यह काम किया गया है, जिसकी शिकायत भी उन्होंने की है। ग्राम पंचायत में महिलाओं की पेंशन उन्हीं के प्रयास से मिलने लगी है। वहीं पीएम आवास योजनाओं के मामले में लगे आरोप पर उन्होंने कहा कि प्रशासन से फंडिंग नहीं आई है। कलारिया मेरा एक परिवार है और सब मुझसे प्यार करते हैं। किसी राजनीति देश भावना से एक फर्जी मीडिया द्वारा एक षड्यंत्र पूर्वक कार्य किया गया है। उसके एक मीडिया खिलाफ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक आवेदन दे दिया है, तो वहाँ से बताया गया कि यह फर्जी है। उसके खिलाफ मैंने FIR भी किया है। और जिस रही बात वो पेंशन की, महिला जिस महिला को पेंशन मिलता है उसका मैंने आपको कागज दिए हैं, उसको 1.5 साल से पेंशन मिल रही है और मैंने चालू करवाई और लगभग ग्राम पंचायत कलारिया में 100 पेंशन मैंने चालू करवाई। आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास में दो जने का महिला का भी है, जिसकी पेंशन उन्होंने भी लिया, तो उनका नाम मैंने दे दिया गया, उनके ID नंबर मैंने आपको दे दिए। मेरे पंचायत से सेंशन है, प्रधानमंत्री आवास गवर्नमेंट प्रशासन से फंड नहीं आ रहा, इस कारण से कुटीर उन दोनों की नहीं बन रही, दोनों के नाम है उसमें जिन्होंने पंचायत पर आरोप लगाया। कमल योजना के दो केस, एक निर्मला भाई कमल जो कमल भैया से शांत हो गए, उनकी संबल योजना में पंचायत द्वारा फाइल कलेक्टर ऑफिस जिला पंचायत जमा कर दी गई है, उन्हें 5,000 रुपये थे वो भी हमने दे दिए हैं और उनके 2 साल से फाइल वहाँ पे हैं और उनको पेमेंट आगे से नहीं मिल रहा है पंचायत। आरोप लगाने वाली महिला सुमन ने कहा कि 3 माह से पेंशन नहीं मिलने से उन्होंने यह कहा था। उन्होंने सरपंच प्रतिनिधि को लेकर कहा कि उनके द्वारा ही मदद की जा रही है, उनसे कोई परेशानी नहीं है। हाँ, 1.5 साल से मेरे को पेंशन मिल रही है, अभी 3 महीने से अभी मेरे को पेंशन नहीं मिली है, इसलिए मैं इतना बोल पाई थी। और सवाल तो कुटिया का मैंने बोला कि अभी मेरा नंबर नहीं आया है, अब आने वाला है, ये बात बोली मैंने। फिर मेरा घर टूटा फाटा पड़ा था, मैंने गांव वालों के सहयोग से मैंने घर को तो जैसे गारा मट्टी से मैंने करवा लिया, अब मेरे को यह मिलेगा तब मैं घर बनूंगी। सरपंच साहब का कुछ? हाँ, सरपंच साहब के सहयोग से तो मैं जीती रही हूँ, नहीं तो क्या है मेरे पास, वही मदद दे रहे हैं ना मेरे को। बहरहाल अब इस मामले में महिला द्वारा सरपंच प्रतिनिधि पर लगाए आरोपों को वापस ले लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।